बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, मुझे तो लोगों ने पूछ पूछ के पागल कर दिया है कि एंडिंग क्या है, फिनाले क्या है। ऐसे आप लोगों को वेट करना पड़ेगा देखने के लिए, और आज हम सभी बहुत एक्साइटेड हैं। ऑब्वियसली हमें तो एंडिंग पता है लेकिन हम लोगों को नहीं बता सकते, और बहुत एक्साइटेड हूँ माशाल्लाह से। अलामिया ने इतनी इज्जत दी है और हमारा सीरियल इतना बड़ा मेगा हिट हुआ है, और आज आप देख सकते हैं पीछे कैमरास के पीछे कितनी आवाम है, कितने लोग हैं, और वी आर सेलिब्रेटिंग सक्सेस बाय हिज ग्रेस, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। देखिए मैं आपको बताऊँ, मुझे अहमद अली अकबर ने तो कमाल कर ही दिया है, और आई डोंट थिंक कि अहमद अली के अलावा ये रोल कोई भी और कर सकता था। उसके अलावा नौमान एजाज ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उर्वा ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उष्णा हैज़ ऑल्सो एक्टेड वेल। इसमें बताती चलूँ, मेरी बेटी ने भी एक्ट किया है, और जो कमल का उन्होंने रोल किया है, जो परिजात जो उष्णा की बहन बनती हैं, और शी इज़ ऑल्सो डन अ गुड जॉब। हालाँकि मैं उसको हमेशा क्रिटिसाइज़ करती हूँ, बट शी इज़ डन अ गुड जॉब। उसके अलावा युमना जैदी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हर। एक ब्लाइंड हो के इस तरह एक्ट करना और हर एक्सप्रेशन देना, मतलब ये कोई कमाल ही एक्टर होगा तो वो कर सकता है। और एक्टिंग के बारे में मैं ये कहूँगी, लोग हमेशा पूछते हैं कैसे किया कैसे किया। आई ऑलवेज से कि आइदर यू आर ब्लेस्ड विद इट और यू आर नॉट, ये आपके अंदर होता है या नहीं होता। देखिए हम तो चाहते हैं कि फिल्में बने और हिट हों और हम सब काम करें और वट एवर, लेकिन हमारे यहाँ थोड़े से बजट्स का मसला है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द मौला जट रिलीज़ होने वाली है, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। थोड़े से हमारे बजट्स बेहतर हों तो टैलेंट, मैं आपको बताऊँ जितना पाकिस्तान में है ना, वो अक्रॉस द बॉर्डर भी जो उनके एक्टर्स हैं, इंडस्ट्री है, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो रश्क करते हैं, वो रश्क करते हैं कि यार आप लोगों के पास जितना टैलेंट है। क्या कहना चाहेंगे ड्रामा परिजात की कामयाबी के हवाले से? आज प्रीमियर शो सजाया, पहले कभी फिल्मों के सजा करते थे, हम ड्रामों का इतना कामयाब शो सजा, कैसे ऐसा साथ है, कैसे जज्बात है इतनी बड़ी कामयाब? मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत भी तसव्वुर कर रहा हूँ। उसकी वजह यह कि एक तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनी है, उसकी कहानी हो, डायरेक्शन हो, सिनेमेटोग्राफी हो, या अहमद अली अकबर से लेके बाकी तमाम एक्टर्स की एक्टिंग हो, तो उसने तो लोगों को इम्प्रेस किया है, सो किया है। और टीवी पे हम इसकी सक्सेस देख चुके थे, सोशल मीडिया पे इसकी सक्सेस देख चुके थे, लेकिन अभी इस सिनेमा में इसकी लास्ट एपिसोड कैसे प्रीमियर होना और इतना ज़बरदस्त क्राउड और लोगों का इतना प्यार, मेरे ख्याल से बड़ी एक खुशाइन बात है कि चलें जो थोड़ी बहुत वीरानी हमारे स्टूडियोज़ में या हमारे सिनेमा में छाई हुई है उसके दूर होने का इम्कान है। फिल्में भी आ जाएंगी, लेकिन अगर हमारे ड्रामा को देखने के लिए लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लोग कंटेंट देखना चाहते हैं, सिर्फ आपने उनको बना के देना है, और वो जो कंटेंट बना के देना है ऑब्वियसली जब आप थोड़ा सा हटके कहानी बनाएंगे तो वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। समझता हूँ हमारा ड्रामा हमारी फिल्मों से बड़ा हो गया है, परिजात ने इस बात को प्रूव कर दिया कि पाकिस्तानी ड्रामा इंटरनेशनली जिस तरह से रिकग्नाइज हुआ था अब तक, परिजात ने उसमें चार चांद लगा दिए, और अब मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई इतनी बड़ी फिल्म बन सकेगी कभी भी जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होगी जिस तरह परिजात को। तो मेरी तरफ से परिजात की पूरी टीम को, शहजाद को, हाशिम नदीम साहब को, मोमना को, उसकी तमाम तरकाश को बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं ये तो पहली बात मुबारक देना चाहूँगी हम टीवी के तमाम जो कास्ट है, क्रू हैं, और मोमिना भाभी बेसिकली, और जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, दे हैव डन वंडरफुल जॉब। हम सबको पता है हम टीवी हमेशा अच्छे ड्रामास लाते हैं और पाकिस्तान इज़ ऑलवेज फेमस फॉर बेस्ट ड्रामास। सो परिजात का इस तरह लोगों को पसंद आना, बहुत ही एक सोशल इशू पे एक पॉइंट रेज किया गया, बहुत अच्छा लगा। और अभी सिनेमा में जो स्क्रीनिंग हो रही है, आई एम जस्ट लविंग इट, और ये ट्रेंड जो है, आई होप कि हर ड्रामा इसी तरह हिट हो और बहुत कमाए। जबकि अभी जा रहे हैं प्रोड्यूसर राइटर जैसे जो रवायती नगर की स्टोरियाँ दे रहे हैं, क्या
बात यह है कि स्टाइल हर किसी का होता है, कैप्टन ऑफ द शिप है, उसको अपनी शिप को चलाने का एक अंदाज है। अब जैसे पढ़ा लिखा मजीद है वो आके मजीद बेहतरी करेगा, सो दिस इज़ द वन कि जो हर कोई आता है अपने एक्सपोजर और अपनी सोच के साथ आता है। सो पुराने भी अच्छे थे, नए भी बहुत अच्छे हैं, सो हम नई ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। सर अर्ज़ ये है कि कोई भी चीज़ अगर पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन वाइज लोगों के दिलों में इस तरह से घर करे तो ये मुझे लगता है कि एक ब्लेसिंग है, वो इस सेंस में कि ऑलरेडी आपको पता है कि जो मामला चल रहे थे सिनेमाज के और प्रोडक्शंस के, सो ऐसे में अगर कोई मैसिव हिट इस तरह से हो तो ये कोई ख़ास करम होता है मालिक का। फिर ये है कि ओवरऑल प्रोडक्शन से अगर कोई पॉजिटिविटी पॉजिटिव इमेज जा रहा हो तो वो भी एक ब्लेसिंग है। सो परिजात में बहुत कुछ लोगों के सीखने को है, एंटरटेनमेंट तो है ही, सो ये कोई ख़ास करम हुआ है कि लोग इस तरह से खींचे चले आए सिनेमा में भी देखने, और किसी भी बहाने अगर लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं सिनेमाज की तरफ तो ये ब्लेसिंग है। सो मेरे लिए भी ये एक ख़ास देखें किसी भी आर्टिस्ट के हिस्से में जो चीज़ें आती हैं वही पता दे रही होती हैं कि वो कितना ब्लेस्ड है। सो मेरे लिए हमेशा से क्योंकि कंटेंट को लेके मैं कॉन्शियस रहूं तो परिजात का ओएस मेरे हिस्से में आया है, बड़ा मज़ेदार लिखा हाशिम भाई ने, वकार अली ने बहुत मज़ेदार किस्म का इसको कंपोज़ किया। सो मेरे सामने तो एक बनी बनाई चीज़ आई थी, उसमें मैंने अपना हिस्सा एक अपना पार्ट प्ले करना था जो कि मुझे बड़ा मज़ा आया और बड़ा मेरी खुश नसीबी की इतनी मैसिव हिट का मैं हिस्सा बना। हुस्न के जजीरों में रूप के किनारों पर रेशमी अंधेरे हैं, सुरमई उजाले हैं, एक नाज़िया फरी दिल पर कब्जा जमाए बैठी है, जिसकी झील आँखों में दो नील गूँ से प्याले हैं। ना पूछ परीजादों से ये हिजर कैसे झेला है, के दन बदन तो चलनी है और रूह पर बिछाले हैं, कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है, कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।